सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले को जनवरी तक टाल दिया। जनवरी में नई बेंच बनेगी, फिर वही बेंच तय करेगी कि कब और कैसे होगी सुनवाई, हर दिन होगी या फिर तारीख पर तारीख। सो जल्दी मंदिर निर्माण शुरू होते देखना चाहने वालों के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। साधु संत अपने गुस्से का इजहार करने लगे हैं। वीएचपी ने मोहन भागवत की बात दोहराकर केंद्र से अध्यादेश लाने की मांग की। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी अध्यादेश के पक्ष में हैं। दबी जुबान से बीजेपी के कई नेता इसके पक्ष में बात कर रहे हैं, ओवैसी चुनौती दे रहे हैं। 56 इंच का सीना हो तो अध्यादेश लेकर आए। सरकार पर अपनों का दबाव है तो विपक्ष की चुनौती। राम मंदिर का सपना फिलहाल पूरा होता नहीं दिखता। उद्धव ठाकरे अयोध्या आने वाले हैं, वो क्या करेंगे और कहेंगे, संजय राउत उसका संकेत दे चुके हैं। हिंदूवादी संगठनों का धीरज जवाब देने लगा है। इनका आरोप है कि कोर्ट ने मामले की संवेदनशीलता नहीं समझी। उन्हें कोर्ट के इस फैसले में राजनीति दिख रही है। वक्त चुनाव का है, अगले कई महीनों तक चुनावी बाजार गर्म रहेगा। राम के नाम पर संग्राम छेड़ने की बड़ी तैयारी संत दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बैठकर करेंगे। बतौर केंद्र सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह का सब्र का बांध टूटने वाला है, क्या होगा पता नहीं। सवाल यह है कि सरकार ऐसे में क्या करेगी। अध्यादेश का विकल्प है लेकिन कानून का डंडा सामने है। विपक्ष की बात दूर नीतीश जैसे सहयोगी बिदक सकते हैं। अध्यादेश या फैसले का इंतजार सरकार को तय करना होगा क्योंकि वक्त बहुत कम है, लोकसभा चुनाव में भी और सब्र का बांध टूटने में भी। NTI पॉकेट टीवी के लिए अयोध्या प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।